नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरेंद्र पांडे, सौंदर्य एवं त्वचा रोग विशेषज्ञ, एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड लेजर सर्जन। मैं आज आपके समक्ष आया हूं टीनिया के बारे में बात करने के लिए, फंगल इन्फेक्शंस के बारे में बात करने के लिए। आज हम अपनी ओपीडी, अपने बाह्य रोग विभाग में देखते हैं कि हमारे पास अगर हम 10 मरीज देखते हैं तो 10 में से 4 से 5 मरीज फंगल इन्फेक्शन टीनिया के होते हैं, जिसको आम भाषा में हम एथलीट्स फुट भी कहते हैं, जॉक इच भी कहते हैं। ये हमारे प्राइवेट पार्ट्स इंट्रेजेनस एरिया में होते हैं, और पहले टीवी में एड दिखाते थे, एक लाल कलर का आपको रैश आता था जिसपे लोगों को बताया जाता था रिंग गार्ड लगाइए, बीटेक्स लोशन मलहम लगाइए, उसी तरीके का ये इन्फेक्शन दिखता है। मैं इसलिए इस इन्फेक्शन के बारे में बात करना चाहता हूं क्योंकि जो एक टाइम पे हम डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए बड़ा ही सरल इलाज होता था इसको ठीक करना, आजकल ये एक बहुत कठिन काम हो गया है। कारण है, जो मरीज बिना अपने त्वचा रोग विशेषज्ञ को दिखाए सीधे जाके केमिस्ट से दवाई ले लेते हैं। ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम मतलब ऐसा क्रीम जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, जो आपको कतई नहीं लगाना चाहिए। रिंग गार्ड, इच गार्ड, ये सब नहीं लगाना चाहिए, ये आपकी चमड़ी को जला देते हैं, ये उस फंगल इन्फेक्शन को और भी ज्यादा खराब बना देते हैं, फैला देते हैं। कृपा कर जैसे ही आपको फंगल इन्फेक्शन, दांत, खाद, खुजली, कुछ भी हो, आप तुरंत अपने त्वचा रोग विशेषज्ञ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, स्पेशलिस्ट के पास जाएं। जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे मेडिकल कॉलेज में, तब टीनिया सबसे सिंपल सब्जेक्ट होता था, इस पे कोई प्रोफेसर ज्यादा तवज्जो भी नहीं देता था, 10 से 15 दिन की दवाई में ठीक होने वाली बीमारी मानी जाती थी। पर आजकल हम डर्मेटोलॉजिस्ट मजाक में कहते हैं कि जैसे पहले सोरियासिस एक क्रॉनिक डिजीज थी कि जो बार बार पलट के आती थी, वैसे ही अब टीनिया फंगल इन्फेक्शन बन गया है। इस डिजीज का अब एक बार में इलाज हो ही नहीं पाता, कई महीने इनका इलाज चलता है, और रिकरेंस मतलब बार बार फिर से ये बीमारी लोगों में देखने को मिलती है। तो हम ऐसा क्या करें कि ये बीमारी हमारे अंदर बार बार ना आए और हमसे दूर रहे। सबसे पहले मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कृपा कर बिना डर्मेटोलॉजिस्ट के, बिना आपके स्किन स्पेशलिस्ट की सलाह के कोई भी ट्यूब ऑइंटमेंट अपनी मर्जी से ना लगाएं। ऐसा करने से कुछ समय के लिए आपको लगेगा इन्फेक्शन ठीक हो गया, बट इन्फेक्शन और बड़ा रूप ले लेगा, टीनिया इनकॉग्निटो बन जाएगा, मतलब वो ऐसी जगहों पर फैल जाएगा जहां वो पहले नहीं था, स्किप लीजन्स बना लेगा। दूसरी सबसे जरूरी बात है कि आप जब इलाज लें तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कुछ छुपाएं ना, आपने कौन सा मलहम लगाया है, कितने दिन के लिए लगाया, क्या किया है, सब कुछ बताएं। वो आपको खाने की भी कुछ दवाई देंगे, लगाने की भी कुछ दवाई देंगे, जिससे आप ठीक हो जाएंगे। आपको एहतियात ये बरतनी है कि अपने पूरे जो आप टीनिया के दौरान कपड़े पहनते हैं उनको डिसइंफेक्ट करना है, अगर आपकी फैमिली में और किसी को टीनिया है तो उनका भी इलाज कराना है, डेयरी प्रोडक्ट्स कम से कम खाना है, खमीर उठने वाली चीजें जो होती हैं जैसे ब्रेड, पनीर, इन चीजों को अवॉइड करना है, फास्ट फूड्स, जंक फूड्स को जब आपका टीनिया का इलाज चल रहा है तब अवॉइड करना है, नियमित तौर पे दवाई को लेना है। यदि डॉक्टर साहब ने एक महीने का डोज दिया है तो डॉक्टर साहब या मैडम की पूरी डोज को आप फॉलो करिए, ये नहीं कि जैसे ही टीनिया ठीक हो गया आपने दवाई लेना बंद कर दिया। इसके अलावा जब आपको फॉलो अप के लिए बुलाया जाए तो फिर से आइए और अपने डॉक्टर को दिखाइए। यदि आप ये सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो आप टीनिया से, मतलब फंगल इन्फेक्शन से दूर रहेंगे। टीनिया के कई प्रकार के टीनिया होते हैं, टीनिया कॉर्पोरिस, टीनिया क्रूरिस, आपके शरीर के किसी भी अंग में ये टीनिया हो सकता है, और ये बिल्कुल फैलने वाली बीमारी है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग सकती है और लगेगी ही। तो जैसे ही इसके लक्षण आपके अंदर आए, जल्द से जल्द आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।